बोला है कि 75 दिनों के लिए 12 घंटे का सिटिंग चैलेंज, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? I have taken the challenge for 75 days. I will definitely do it. एक तो टाइम शेड्यूल कंप्लीट हो पाएगा और टाइम मैनेज कैसे कर पाएँ और इंक्रीज कैसे कर पाएँ, सब कुछ धीरे धीरे इसमें हम सीख जाएंगे। चैलेंज लिया है, कभी सीटिंग प्लान रहा नहीं है क्योंकि हमारी जो मेघालय सिस्टम पड़ती रही है तो उसमें घर वाले जिस बैकग्राउंड से हम सब निकल के आते हैं तो हमें लगता नहीं कि हमको घर वाले या टीचर्स कभी ऐसा सीटिंग प्लान दे पाते हैं, हम कभी नहीं करते। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा क्योंकि सर ने जितने भी नए नए मोटिव या इनोवेशंस किए हैं हमारे लिए वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छे निकले हैं, तो मैं इसको भी अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा। आज क्लास में हमारे उजांग सर ने 75 दिनों के लिए 12 घंटे का सीटिंग चैलेंज और स्टडी चैलेंज दिया है। आइए देखते हैं क्या माहौल है हमारे गुलगुल कैंपस में। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो हमारा कुछ क्वेश्चन है क्लास को लेके। आज जैसे उजांग सर ने बोला है कि 75 दिनों के लिए 12 घंटे का सीटिंग चैलेंज, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? क्या आप कर पाएंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड एंड कोशिश करूंगी कि मैं कर पाऊँ। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। क्या आपको क्या लगता है कि आप कर पाएंगी? यस आई डेफिनेटली डू इट। ये दिन के लिए नहीं करना है, 75 डेज करना है। आई हैव टेकन द चैलेंज फॉर 75 डेज, आई विल डेफिनेटली डू इट। ओके। हेलो भाई, कैसे हो आप? हम अच्छे हैं, आप? क्या आपको क्या लगता है आप 75 दिन का चैलेंज पूरा कर पाएंगे? हम कर पाएंगे हमें लगता है, इसलिए हमने चैलेंज लिया है। हमारा बहुत काम आएगा ये चैलेंज हमारे, इससे हम अपना सीटिंग बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे स्टडी में हेल्प करेगा हमारी, तो आगे हमारे उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करेगा। आपको क्या लगता है कि 75 दिनों के लिए जो 12 घंटे का स्टडी चैलेंज है आप पूरा कर पाएंगी? बिल्कुल, तभी तो चैलेंज लिया है हमने। पक्का कर पाएंगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। आई इनसे पूछते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूं, आप बताओ। क्या आपको लगता है कि 75 दिनों का जो 12 घंटे का चैलेंज है वो पूरा कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी हमें, कि एक तो टाइम शेड्यूल कंप्लीट हो पाएगा और टाइम मैनेज कैसे कर पाएँ और इंक्रीज कैसे कर पाएँ, सब कुछ धीरे धीरे इसमें हम सीख जाएंगे। और फिर यूँ है कि जो हमारा शेड्यूल है वो कंप्लीट होने लग जाएगा, तो गोल के पास जाने के लिए हमें मतलब अचीवमेंट मिल जाएगी। और यूँ है कि अगर नहीं हो पाएगा पर फिर भी जो है करेंगी कोशिश 75 डेज तक। ओके। हेलो सर, कैसे हैं आप? और बढ़िया। आपको क्या लगता है 75 दिन का चैलेंज पूरा कर पाएंगे आप? हाँ, पहली बार इतना बड़ा चैलेंज लिया है, कभी सीटिंग प्लान रहा नहीं है क्योंकि हमारी जो मेघालय सिस्टम पड़ती रही है तो उसमें घर वाले जिस बैकग्राउंड से हम सब निकल के आते हैं तो हमें लगता नहीं कि हमको घर वाले या टीचर्स कभी ऐसा सीटिंग प्लान दे पाते हैं, हम कभी नहीं पढ़े। आई थिंक ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही 2-4 घंटे 5 घंटे पढ़ लिए, और पता है यूपी में जो कॉलेजों में हाल है जानते ही हो। अब सीटिंग प्लान बैठे अब आईएएस कर रहे हैं तो इतना बड़ा चैलेंज लेना पड़ेगा। 12 घंटे का चैलेंज है, देखते हैं 12 घंटे का चैलेंज कम्प्लीट होता है उसके बाद 2 घंटे और बढ़ा देंगे, जैसा सर बोले हैं तो उस मुताबिक ढलने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो पहला दिन है, देखते हैं कल क्या होता है आज के बाद। हेलो भैया, आपको क्या लगता है आप 75 डेज का चैलेंज पूरा कर पाएंगे? थोड़ा हार्ड तो लग रहा है लेकिन मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा क्योंकि सर ने जितने भी नए नए मोटिव या इनोवेशंस किए हैं हमारे लिए वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छे निकले हैं, तो मैं इसको भी अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं 75 डे हार्ड जो ये चैलेंज सर ने दिया है आज हमें, इसको मैं पूरा कर सकूँ बस। और बाकी अगर हम सब साथ में बैठते हैं तो मतलब सिटिंग पावर इंक्रीज हो ही जाता है हमारा। थैंक यू। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप उजांग सर को किस रूप में लेते हैं, एक गुरु के रूप में, एक मेंटर के रूप में, किस रूप में आप सब लेते हैं? एक एक करके आप सब बताइए, अपने अपने व्यू दीजिए। उजांग सर मेरे लिए एज अ मेंटर भी हैं, एज अ मतलब जो गोल तक पहुंचाने के लिए एक मेरा जरिया भी मान लो, लेकिन एक लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको पाने के लिए भी सर मेरा बहुत बड़ा मतलब लाइफ में पार्ट रखते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वन ईयर से सर को फॉलो करना शुरू किया है तो उससे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और जैसे अभी मैं यहाँ इस कोचिंग सेंटर में आई हूँ तो मुझ में चेंजेस आ रहे हैं, मैं इतना लंबा सिटिंग रूटीन नहीं कर पाती थी लेकिन अब मैं करने लगी हूँ तो मेरा टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, तो
सर के लिए, सर से बहुत ज़्यादा मतलब थैंक यू कि वो इतना अच्छा हर चीज़ का मैनेजमेंट रखते हैं और बच्चों को ऑल टाइम मोटिवेट तो रखते ही हैं। सबसे बड़ा मोटिवेटर मेरे लिए तो सर ही हैं। थैंक यू सर। आप क्या बताएंगे? सर को तो हम एक गुरु के तौर पे ही देखते हैं, क्योंकि हम जो आस लेके अपने गुरु के पास आए थे और गुरु जिस पद्धति से हमको समझाए कि हाँ शिष्य की ये परंपरा है, तो हमें भी गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, शिष्य परंपरा सीखने को मिल रही है। और गुरुकुल है, गुरुकुल कॉन्सेप्ट ही गुरु के आधार पर है, तो गुरु को गुरु के तौर से ही देखते हैं। मैं मेंटर्स वगैरह तो ठीक है अपना, लेकिन मैं गुरु को गुरु के तौर से ही देखता हूँ, जैसे एज ए फादर देखते हैं, एज ए भाई देखते हैं। अपना अपना अलग सेंस होता है किसी रिलेटिव्स में, पर मैं आप गुरु को गुरु के तौर पर ही देखता हूँ। थैंक यू सर। आप? मेरे लिए ओजांग सर गुरु भी है, मेंटर भी है और एक गाइडेंस भी है। मतलब मेरी सक्सेस तक पहुँचाने का रास्ता अगर कोई है तो वो ओजांग सर। मेरे लिए सर एक मेंटर भी हैं, एक गुरु भी हैं, क्योंकि मेरे जो भी डाउट्स होते हैं, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सर एक नई अलग बहुत ही इजी वे में हमें सॉल्व करने का, उस प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, जो कि यहाँ से पहले मुझे कहीं नहीं मिलता था। मुझे मतलब खुद से ढूंढना पड़ता था कि मैं क्या करूँ, कैसे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर मैं कोई सॉल्यूशन अगर सर से चाहता हूँ तो सर मुझे टाइम दे करके उस सॉल्यूशन के बारे में बता देते हैं जल्दी से जल्दी। और सर मेंटर तो वाकई बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए ओजांग सर एक गुरु हैं, क्योंकि माता पिता के बाद जो बच्चों को अच्छे समझ पाता है वो गुरु होता है। ओजांग सर हमें देख के हमारी समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान भी देते हैं, इसलिए मेरे लिए वो गुरु का दर्जा है, भगवान का दर्जा है। बस यही हम कहना चाहते हैं। गुरुकुल में सर ने हम लोगों को जो हमारा एंशियंट मॉडल बताया है कि गुरु और शिष्य पद्धति, हम उसको ही फॉलो करने यहाँ आए हैं। और हम ऐसी एक लाइफ में रहने हैं, हम पहले के ज़माने में तो जा नहीं सकते कि हम वनों में जाएं, गुरुकुल में जाकर रहे हैं, पर हम यहाँ रहने आए और सीखने आए, कुछ नया सीख सके और अपनी लाइफ को बेटर कर सके, अपने एक जो गोल है हमारा लाइफ का उसके एक स्टेप आगे जा सके। और हमें मुझे तो लगता है मैं यहाँ पर आई हूँ 10x स्पीड से चल रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ते तो थी पर इस तरीके से एनालिसिस करके कभी नहीं पढ़ा। टॉपिक पढ़ा हाँ हो गया, पर ये इतना ज़्यादा कि मतलब ये एक चीज़ को इतने डायमेंशन लेके चल सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने। तो इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सब 75 डेज के लिए तैयार हैं, 12 घंटे की सेटिंग के लिए? एक बार ज़ोर से बोलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड ऑल्सो मी।